साथियों नमस्कार। साथियों ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पे जुड़ जाओ और भी जो आपके मित्र प्यारे हैं उनको भी बोलो ज़्यादा से ज़्यादा लाइव पे जुड़ जाएं। आज महत्वपूर्ण बात आपसे करनी है और जितने ज़्यादा लोगों तक बात जाएगी उतना ज़्यादा अच्छा है। तो आप अपने और साथियों को साथ में जोड़ें, जितने भी आपके मित्र प्यारे हैं आपके ग्रुपों में उनको सबको बोलें, सबको जोड़ें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि हम अपनी बात शुरू कर सकें। जल्दी जल्दी अपने साथियों को मैसेज दे दो, जल्दी जल्दी जोड़ लो। बस हम अपनी बात शुरू करने वाले हैं और आप सभी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आगे। ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें अपने मित्रों को, अपने साथियों को। साथियों आज सुबह से खबर चल रही है, बहुत से लोगों के मैसेज आए, ऑपरेशन क्लीन, ऑपरेशन क्लीन, ऑपरेशन क्लीन, जैसे पता नहीं क्या आफत पड़ने वाली है। पहली बात तो ये है कि ये एक बार अफवाह पहले भी फैलाई गई थी और ये एक अखबार ने ज़्यादा उछाली है। वो अखबार बार बार जानबूझ के गड़बड़ करता है, बीजेपी का दलाल है। दूसरी बात, अगर वो ऑपरेशन क्लीन करते हैं, कह रहे हैं जबरदस्ती उठाएंगे, कोरोना आ गया बाय फोर्स उठाएंगे, मैं कहता हूं वो मार तो सकते हैं, गोलियां तो मार सकते हैं, लेकिन अगर वो ये कहेगा लोग उठ के घरों को चले जाएं तो भूल जाइए बीजेपी, अपना दिमाग ठीक कर ले बीजेपी। मार तो सकते हैं, 1000 को मार देंगे, 500 को मार देंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना, बीजेपी की जड़ें खुद जाएंगी। एक बार तो मार दोगे गोलियां, उसके बाद कहां जाएंगे? गांवों में जाएंगे ना, उसके बाद जनता में जाएंगे ना, फिर वहां क्या हाल होगा इनका? क्या घुसने देंगे लोग? क्या वहां पे जा पाएंगे? ये राजनीति करनी है इनको, इसलिए बीजेपी अपना दिमाग ठीक कर ले, किसी गलतफहमी में मत रहना। ये किसान है, इनके मारे पिट्टे से नहीं भागने वाले, लठ से नहीं भागने वाले, और तुम्हारे दम नहीं है इतना गोलियां मार दो तुम, और मार दोगे तो मार देना, यहीं पे सीधियां होंगी। मरने के लिए आए हैं हम घर से, भागने के लिए नहीं आए। सुबह से कान पका दिए ऑपरेशन क्लीन, ऑपरेशन क्लीन, पता नहीं क्या करेंगे। ये बीजेपी क्लीन होगी, बीजेपी को देश से क्लीन कर देंगे, दोबारा ताऊ मर नहीं पाओगे सत्ता में। सुन ले बीजेपी वाला ध्यान से, आप ऐसे बनाना सोचते हैं ना, जैसे आपने मुसलमानों को बदनाम कर दिया, इन्होंने कोरोना फैला दिया, इन्होंने कोरोना फैला दिया, इन्होंने कोरोना फैला दिया, मस्जिद से कोरोना फैल गया, हुआ खड़ा कर दिया। अब आप षड्यंत्र रच रहे हो, किसानों ने कोरोना फैला दिया, किसान नहीं मानते, किसान कोरोना फैलाएंगे। हमें पता है आपके षड्यंत्रों का और दुनिया भी जानती है, कोई कोरोना वरोना नहीं है, बीजेपी का दलाल हो गया कोरोना ये। अगर बीजेपी वाले ऐसे करा दो ना पश्चिमी बंगाल में चुनाव बंद करा दो ना, अपने 5 स्टेट में चुनाव बंद, वहां नहीं कोरोना, कोरोना तो वहां भी है जहां बीजेपी का चुनाव होता है, जहां बीजेपी ने भाषण देना होता है, वहां तो कोरोना नहीं होता। ये किसानों के नाम का कोरोना आ गया,
हुआ खड़ा कर रहे हैं, खा खा में डरा रहे हैं लोगों को कि ताकि किसानों को बदनाम कराया जाए, किसान के आंदोलन को बदनाम कराया जाए। ये षड्यंत्र लंबे नहीं चला करते, काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती। आज दे रहे हैं खट्टर साहब बयान, किसान चले जाए घरों को फिर बैठ जाए। अरे बात मान लो ना भाई, कौन सा हमने देश मांग लिया, कौन सी तुम्हारी जगीरें मांग ली, मान जाओ ना, क्या मांग लिया तुम्हारे से हमने? अपना अधिकार तो मांग रहे हैं, जिंदा रहने का अधिकार मांग रहे हैं। क्यों कोरोना में लागू किया था आपने? तब कोरोना नहीं दिखे आपको, तब आंखें बंद थी बीजेपी की। जब कोरोना में आपने अध्यादेश लाए थे, देश उजड़ गया था। क्यों ले आए थे कोरोना के अंदर अध्यादेश, बताओ ना मेरे को, है कोई बीजेपी के पास जवाब? इस कोरोना के अंदर के ये कानून लाना जरूरी थे क्या? कौन सा देश बर्बाद हो चला था? दलाली करते हैं कारपोरेट की, खाओगे इस देश को, बेचोगे इस देश को, बनाया था तुमने देश। अरे वो बीजेपी वाले हैं जिन्होंने तो देश की आजादी की लड़ाई में 1% योगदान नहीं कर रहा। 60 साल तक इन्होंने झंडा नहीं चढ़ाया अपने उस पे, आरएसएस वालों ने अपने दफ्तर में। आज बन गए देश के ठेकेदार, ये कोरोना से बचाएंगे देश को, कानून लागू करेंगे देश में। 11 मीटिंगें कर ली, कोई एक कानून तो बता दो जो किसान के पक्ष में है। आपने एक शब्द बताया हो 11 मीटिंगों के अंदर के, किसान कहाँ कैसे बचेगा इन कानूनों से? हमने तो आपको लिख के दे दिया, हमने तो बुकलेट छिपवा के दे दी, भेज दी सरकार को, जो और मंत्री मांगता उसको भेज दे कि इन कानूनों में काला क्या है। आप छिपवाइए ना बुकलेट, बताइए ना देश को कि इन कानूनों से देश की तरक्की कैसे होगी, इन कानूनों से किसान कैसे बचेगा, इन कानूनों से किसान की आमदनी कैसे बढ़ेगी, बताइए ना। ये बीजेपी वाले हो, ये षड्यंत्र छोड़ दो वरना बहुत बुरी होगी तुम्हारे साथ। ये जो तुम बार बार जा रहे हो ना जगह जगह पे जाके सोच रहे हो आंदोलन वायलेंट हो जाए, किसी तरह से तुम्हारी बेइज्जती करें लोग, और फिर तुम कहो देखो ये कर दिया वो कर दिया, ये षड्यंत्र जो है सारे पुट्ठे पड़ेंगे तुम्हारे पे, क्योंकि तुम खुदा से बैर लगा रहे हो। तुम तो ये सोच रहे हो सारी दुनिया तुम ही चला रहे हो, तुम्हारे उस पर चलेगी, परमात्मा तो कोई चीज है ही नहीं। मारोगे इन लोगों को, स्कूल सारे आपने बंद कर दिए, पेपर आपने बंद कर दिए। अरे कहां ले जाना चाहते हो इस देश को? कोरोना कोरोना करके बर्बाद करके रख दिया देश। एक भी आदमी धरने पे कोरोना में मरा हो तो बता दो। सारे देश में घूम लिए हम, जब भी पापा के मिलते हैं लोगों को, दूसरे प्रदेशों में भी घूम लिए, एक आदमी को कोरोना हुआ हो तो बता दो। 5 जगह 6 जगह पे यहाँ पे लोग बैठे हैं, कहीं एक जगह पे एक भी आदमी कोरोना से मरा हो तो बता दो। कौन सा कोरोना है ये? क्यों बेवकूफ बना रहे हो देश का? अब कोरोना के नाम से इस आंदोलन को बदनाम करना चाह रहे हो आप लोग? अब कोरोना के नाम से हमारे पर सख्ताई बरतना चाह रहे हो आप लोग? आपको बता देते हैं, किसी गलत भाई में पढ़ के मत कुछ कर देना। आप सोचते हो फोर्स ये कर देगी, फोर्स वो कर देगी, फोर्स वो कर देगी, उठा देंगे, गोली मार देंगे, लठ मार देंगे, कुछ कर देंगे। ये फोर्स फोर्स वाले तुम्हारे नहीं है, हमारे ही बेटे हैं। उल्टी भी पड़ जाएगी, ये चक्कर में मत रहना, और फिर हमारे बीच में ही आओगे कल। ये प्रथा शुरू मत करना, ठीक रहोगे। हम शुरू नहीं करेंगे, पहले हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो शांति से बैठे हैं, किसी को नुकसान नहीं कर रहे। सब्र की भी एक इंतहा होती है, कहीं टाइम होता है। 5 महीने बैठे हो गए, शर्म नहीं आई तुम्हें? 350 लाशें जा चुकी है हमारी, किसी और चक्कर में मत रहना सख्ताई बरतने के, बता देते हैं, वरना ऐसा दिमाग ठीक होगा ना, दोबारे हाथ नहीं आएगी बात। और ये आरएसएस वाले हैं ना, सुन लो आरएसएस वाले हो, अभी टाइम है, हटा दो इस मोदी को, वरना रावण का इतिहास जानते हो, सोने की लंका थी और विद्वान भी था, राज हठ में राज भी गया, सोने की लंका भी गई, जानते हो ना दुर्योधन को? राज हठ में राज भी गया, परिवार भी गया, ये तुम्हारा बीजेपी का भी सत्यानाश करके जाएगा और राज भी जाएगा, देश का भी सत्यानाश करके जाएगा। अगर कहीं देश की कोई वफादारी है ना, बचा लो इस देश को, भगा दो इस मोदी को, तुम्हारी जिम्मेवारी बनती है।
राज तुमने लेना है, इस मोदी की खिचड़ कम है तुम्हारी ज़्यादा है, बगाइए इसको भी, बचा लीजिए देश को। और जो ये कहते हैं ना वहाँ पर अर्धसैनिक बल लगा देंगे, पुलिस लगा देंगे, सर्वे कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ड्रामे कर रहे हैं, कर लेना जो कुछ करते हो, हमारा खुला चैन है, इतनी गोलियां मार सकते हो मार लेना, लाशें जाएंगी हमारी, जिंदे घर को नहीं जाएंगे, बता देते हैं आपको। और साथियों से घबराने की जरूरत नहीं है, इनकी गोलियां इतनी नहीं है देश के किसानों को मार दें, इनके पास जेड़े नहीं है जो देश के किसानों को जेल में डाल लें। ये साथियों हम यहां पे जमे हुए हैं, और आप एक बात का और ध्यान रखना, सारे देश की निगाह होनी चाहिए इस आंदोलन के ऊपर। अगर यहाँ छोटी सी भी उन्नीकी को बात होती है ना, थोड़ी सी भी कोई बात होती है ना, पूरा देश दिल्ली की तरफ कूच कर देना, पूरा देश दिल्ली की तरफ कूच कर देना। रात को कार्रवाई होती है, रात को चल देना, दिन में कार्रवाई हो दिन में चल देना, सारे काम छोड़ के आ जाना। साथियों ये आंदोलन हम जीत के जाएंगे, हर कीमत में जीत के जाएंगे, और चैलेंज है बीजेपी को, जो अत्याचार करना चाहती है वो कर ले, लेकिन आंदोलन नहीं हिलेगा अपनी जगह से। इसी चैलेंज के साथ मैं आपसे एक बार फिर सारे भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सब भाइयों की नज़रें इस आंदोलन पे होनी चाहिए, और इन बीजेपी वालों को हर जगह पे मुंह तोड़ जवाब दो, और इस आंदोलन में जब तक नहीं हम जीतेंगे तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा, चाहे कोरोना आए, चाहे इनकी पुलिस आए, चाहे कोई और ये षड्यंत्र करें, इनके किसी षड्यंत्र के किसी झांसे मत आना। आप सबका धन्यवाद।